हैं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। मैं हूं आपके साथ माथुरी कलाल। उत्तर प्रदेश के रण में कल तक जोरों शोरों से जीत का दावा ठोक रहे समाजवादी कुनबे की साइकिल तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ही डगमगा रही है। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि सत्ता में वापसी का दावा कर रहे लाल टोपी गैंग की हवाइयां उड़ रही हैं। अचानक अखिलेश की साइकिल की हवा निकलने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरे चरण का चुनाव तो यादव बेल्ट कहे जाने वाले इलाकों में होना है, जिसे समाजवादी अपना गढ़ भी समझती हैं। तो उसी समाजवादी गढ़ के सबसे बड़े शिल्पकारों में से एक रहे शिवपाल यादव के पंच ने अखिलेश की मुश्किल बढ़ा दी है। शिवपाल ने इटावा में कह दिया कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ते तो एसपी की बैंड बज जाती। अब चाचा का दर्द छलका तो कई जिलों में फैले उनके भतीजों का दिल तो पसीजेगा ही। कहीं अपर्णा यादव का जाना और चाचा का रोना धोना खेल ना कर दे। इसी बात से अखिलेश की नींद उड़ चुकी है। खुद अखिलेश भी तीसरे दौर में करहल से चुनावी मैदान में है। देश को जवाब दो में आज इसी मुद्दे पर अहम सवाल ये कि क्या शिवपाल का सियासी दर्द अखिलेश के लिए मुसीबत बन जाएगा? क्या समाजवादी गढ़ में शिवपाल के समर्थक अपमान का बदला लेंगे? क्या अपर्णा का जाना, बीजेपी में शामिल होना और शिवपाल की बेरुखी समाजवादी पर भारी पड़ेगी? क्या परिवार में सियासी लालच अखिलेश को पीछे ले जा रहा है? इसी डिबेट में बहुत सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं मेरे साथ। मेहमानों से मिलवाऊं आपको, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और गौर से देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसमें अपने ही अपनों को काट सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। घर में घमासान से बबुआ परेशान, चचा का छलका दर्द, भतीजे का सिर दर्द, फैमिली वाद से चचा करेंगे घात। अगर मैंने 100 प्रत्याशियों को लड़ा दिया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हट सकती। यूपी के रण में घमासान बेशुमार है, वार पलटवार और वादों का शोर है। दो दौर के घमासान के बाद सियासी सूरमा जीत के हवाई दावे करने में लगे हुए हैं। तीसरे दौर में अब 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। कहने को तो ये यादव लैंड कहे जाने वाले इलाकों में वोटिंग है, लेकिन इसके बावजूद लाल टोपी कुनबे की टेंशन बढ़ गई है। वोटिंग से पहले शिवपाल चचा ने समाजवादी बबुआ की नींद उड़ा दी। इटावा में चचा का दर्द छलका तो बबुआ का सिरदर्द बढ़ गया। सियासत के माहिर खिलाड़ी रहे शिवपाल यादव ने कहा कि हम 100 सीटों पर लड़े होते तो एसपी की बैंड बज जाती। और पूरे आप लोग सब तो हमने जानकारी दी, आप लोग चाहते थे कम से कम 50 सीटें तो मिलना चाहिए, लेकिन हमने तो देखा था कि भैया के आदमी की चैलेंज तो 100 सीट कम मत लेना। और देख लो जब घोषणा हुई तो कितनी सीट मिली। कहने को तो शिवपाल यादव एसपी गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे उनकी सियासी कसक सामने आ ही जाती है। दरअसल पहले शिवपाल अखिलेश से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें लंबे वक्त तक गिड़गिड़ाने के बाद सिर्फ 1 सीट का झुनझुना पकड़ा दिया गया। परिवारवाद के आरोपों के बीच अब अखिलेश को दोहरे झटके का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने भी इटावा में चचा भतीजे को लेकर चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे, लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। जाहिर है समाजवादी कुनबे में 2017 में पड़ी दरार 2022 में भी बरकरार है। सियासी मजबूरी में शिवपाल भले ही अपमान का घूंट पीकर अखिलेश को सीएम बनाने का राग अलाप रहे हैं,
लेकिन यादव लैंड में वोटिंग से पहले उनका ताजा बयान मायने रखता है, क्योंकि खाटी समाजवादी कार्यकर्ता चचा शिवपाल का इशारा अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए बबुआ को भी चचा के गच्चे का भय सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, ये जो दर्द है कि सीटें कितनी मिलनी चाहिए थी और कितनी मिली, ये 2017 में भी आपको याद होगा, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या 2017 वाला सियासी दर्द 2022 में भी बरकरार है। और मैं सीधे मेरे मेहमानों से आपको मिलवाती हूँ। मेरे साथ रघुवीर दुबे जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, राकेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, अरुण राजभर हैं, नेता हैं SBSP से, डॉक्टर एम एस खान हैं, प्रवक्ता हैं BSP से, मेरे पास रमनीश वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सौरभ मालवीय हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस डिबेट में रहेंगे। मैं सबसे पहले रघुवीर जी आपके पास आ रही हूँ, और जी को प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, दोनों को आमने सामने रखिएगा। रघुवेंद्र जी, ये जो सियासी दर्द है, ये अखिलेश जी के लिए मुसीबत नहीं खड़ा करेगा? चाचा तो साफ कह रहे हैं SP गठबंधन का वो प्रचार कर रहे हैं कहने को, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखिए हम 35 कहे ठीक है, फिर हमें 50 मिलनी चाहिए थी, फिर आप लोग कहे हमें 100 मिलनी चाहिए थी, मिली कितनी, एक। तो अब जब दो चरण का चुनाव हो चुका है, अब ये दर्द क्यों छलक रहा है? देखिए, उन्होंने बात रखी है, इसमें किसी को खुश होने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। जिस तरीके से प्रथम चरण और दूसरे चरण में देख लिया, और खुश कोई ना हो, लेकिन आप लोग दुखी होंगे कि नहीं? आपने प्रश्न कर लिया, मुझे जवाब भी दे लेने दो। तो प्रथम चरण में दूसरे चरण में देखा कि जो दुर्गति बीजेपी की हुई, लोगों ने जिस तरीके से एक तरफा होकर के वोट डाले सभी धर्म वर्ग के लोगों ने, इनके अंदर खिसियाट है, बहुत सारे मुद्दे लेके आ रहे। चाचा ने कहा कि उनको 100 सीट मिलनी चाहिए थी या 50 मिलनी थी, एक पे, लेकिन उन्होंने ये भी तो लिखा कि हर तरफ जिधर भी देखो जनता में अखिलेश यादव ही दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ अखिलेश का जलवा है। ये भी तो ट्वीट किया उन्होंने कि चारों तरफ जनता केवल अखिलेश, जनता में अखिलेश का केवल नाम लिया जा रहा है और किसी का कोई नाम लेवा नहीं है। अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे उस बेचारे की क्या दुर्गति कर दी। अरे मैं भी तो कहना चाहता हूं कि इन बेचारों की क्या दुर्गति कर दी, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना है और पैदल पैदल उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो गाड़ी में जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी पैदल पैदल पीछे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने तो उनको पहले ही पैदल कर दिया है, अब जनता की बारी है और जनता भी उनको पैदल कर देगी। ये मुद्दा कोई है नहीं, अब ये मुद्दा केवल ये बचा है कि हम कितनी बड़ी बढ़त से आगे जा रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि दो चरणों में भी हम शतक बनाने वाले हैं। समझिए सर, मैं सवाल जो पूछ रही हूँ उस पे नहीं है आप। नहीं नहीं, हम सवाल पे नहीं, नहीं आप नहीं है, आप सुनिए सवाल पे, देखिए सुनिए सर, सुनिए मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुनिए जी। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इसी में एड ऑन करना चाह रही हूँ। वो ट्वीट पे क्या लिखते हैं उसका कार्यकर्ताओं पर कितना असर पड़ता है ये आप भी जानते हैं। अगर शिवपाल यादव किसी सभा में लोगों के बीच बोल रहे हैं, वहां कार्यकर्ताओं में क्या असर पड़ता है ये भी आप जानते हैं। ये सवाल भी उठा था कि जब एक हो रहे हैं तो फिर सपा और प्रसपा की जरूरत ही क्यों है? ठीक है, पहली खाई तो वही थी, चलिए वो आपके घर का मैटर है, आपका गठबंधन है, आपकी मर्जी है, जैसे आप चुनाव लड़ी अलग रह के साथ रह के। लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं कि मुझे सीट एक ही मिली, दूसरा चरण से तीसरा चरण आते आते, मतलब जहां यादव वोट बैंक का बेल्ट कहा जाता है तीसरे चरण में, जो आगे चुनाव होना है 20 को जी। उसके बावजूद ये सियासी दर्द जो है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़े दिन बाद जैसे अपर्णा जी शामिल हुई, थोड़े दिन बाद पोस्ट अलायंस में कुछ और हो जाए? देखिए, ऐसे कोई बिल्कुल भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें पता है कि देखिए सबकी अपनी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनके प्रसपा के साथ रहे वो बहुत सारे लोगों उनको टिकट मिले। लेकिन जो परिस्थिति बनी कि हमारा प्रथम लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश से पहले जो जन विरोधी सरकार है भाजपा की, उसको बाहर करना है, ठीक और है। उसी के लिए त्रिपाठी जी के ट्वीट जो शिवपाल यादव ने, जो रघुवेंद्र जी बता रहे हैं वो सच मान रहे हैं आप, ये जो वो सभाओं में कह रहे हैं वो सच मानेंगे? दर्द कौन सा है उनका? देखिए माधुरी जी, सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल सिंह यादव का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो बिल्कुल मुलायम सिंह यादव जी के लिए साथ उनके साये की तरह हमेशा रहे, पूरी पार्टी को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा। लेकिन जब सत्ता में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो कैसे अपमानित करके एक कैबिनेट मंत्री पद उनका छीनने का काम किया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से छीनने का काम किया, पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखाने का काम किया। आज उसके बाद जब शिवपाल सिंह यादव के साथ एक बार दोबारा रिश्ते मधुर करने के लिए शिवपाल सिंह यादव ने प्रयास किया, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के डर से दो इकट्ठा हुए, लेकिन फिर चक्का को गच्चा मिल गया। फिर आखिरकार भतीजे ने वही कृत्य दोहरा लिया जैसा 2017 के चुनाव से पहले किया था। 100 सीटों पर बातचीत करते करते एक सीट
कितनी अपमानजनक स्थिति हो गई, जो सपा के उनके तमाम साथी उनके टीम के सदस्य थे जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे उनको पार्टी छोड़कर के जानी पड़ी। कुछ लोग बसपा में चले गए, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए और आज शिवपाल सिंह यादव अपने आप को अकेला अलग अलग महसूस कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव की एक राजनीतिक हत्या जैसा करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। मैं मानता हूं आज इस बात का प्रभाव करहल में भी दिखाई पड़ रहा है। आज करहल में जहां स्वयं अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं वहां शिवपाल सिंह यादव के जो वेलविशर हैं, जो समर्थक हैं, जो सुचिंतक हैं, वो एसपी सिंह बघेल के साथ आज प्रचार कर रहे हैं। वो एसपी सिंह बघेल जी को चुनाव जिताने में लगे हैं कि शिवपाल यादव के अपमान का बदला। मैं यही पूछ रही हूँ एसबीएसपी के जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए उनको लेकर आइए प्लीज। एसबीएसपी से अरुण जी जुड़े हुए हैं, आवाज जा रही है उनके पास। अरुण राजभर, मैं ये पूछ रही हूँ कि गठबंधन के बीच में यादव लैंड के खास वोट बैंक वाले वोटिंग से पहले क्या शिवपाल चाचा का ये बयान मायने नहीं रखता है, या ये कहें कि 2017 वाली वो टीस 2012 में 22 में भी बरकरार है? देखिए आप लोगों का अब हम चिंता करने लगे हैं माननीय शिवपाल यादव जी के का, हमारे बड़े वाले वकील साहब राकेश त्रिपाठी जी भी चिंता करने लगे हैं। ये हमें खुशी है कि आप लोग शिवपाल यादव माननीय अखिलेश यादव की चिंता कर रहे हैं और मैनपुरी की जनता का चिंता कर रहे हैं, तो ये सुखद बात है कि कम से कम एक बड़े नेता का लोग चिंता कर रहे हैं कि वो नेता जिसके साथ गए हैं वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो चिंता जाहिर सी बातें हैं कि शिवपाल यादव जी पर चिंता तो करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि करहल में जनता इनके जो मंत्री जी लड़ रहे हैं चुनाव एसपी सिंह बघेल साहब जनता को सरेआम गाली दे रहे हैं, औकात नाप देंगे और सरेआम कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात ठीक कर देंगे और मार देंगे और तुम कहीं सड़क पर चल नहीं पाओगे। तो वो भी वीडियो आपने माधुरी जी देखा कि नहीं देखा? तो करहल की जनता गुंडा नहीं चुनेगी, वहां जन नेता चुनेगी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चिंता कर रही है वो चिंता जाहिर सी बात है। राजभर जी, चिंता कहां, मैं तो ये पूछ रही हूं कि क्या ये सियासी मजबूरी है कि ट्वीट में कुछ और लिखना पड़ता है और सभा में कुछ और कहना पड़ता है? खांटी बेल्ट में जहां चुनाव होना है उससे पहले कार्यकर्ताओं को कोई मैसेज तो नहीं दे रहे चाचा जी? नहीं, कोई चाचा स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी पहले चरण में 58 सीटों में 55 सीटें जीत रहे हैं और इधर जो सेकेंड चरण में है उसमें भी 48-49 सीटें जीत रहे हैं। वो तो स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी एकदम सुपड़ा साफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी का अपनी सरकार बनाते हुए पड़ रहे हैं। अब 100 सीटों के चुनाव में हम 90 सीटें तो अभी जीतने की कगार पहुंच गए, तो भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर सी बात है चिंता करेगी। पूर्वांचल जाते जाते ये सिमट जाएंगे, 403 में ये 4 पर आ जाएंगे और हम 400 पहुंच जाएंगे, तो इनको बेशक है चिंता करनी चाहिए। और माननीय शिवपाल, अरे तो मैं तो यही कह रही हूँ सर, चिंता भले ही ये कर रहे हो पर ये दुख तो आपके ऊपर छलक रहा है ना उनका, तो ये तो नहीं कि कहीं ये भारी पड़ जाएगा? नहीं नहीं, हमारी बात चाचा जी से होती है। चाचा जी के मन में स्पष्ट है कि माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में 10 मार्च के बाद शपथ ग्रहण करें मुख्यमंत्री का, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो गर्मी की बात करते हैं उनको ठंडा करने का समय 10 मार्च का समय निर्धारित हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब महंगाई पर वोट दे रही है, बेरोजगारी दूर करने के लिए वोट दे रही है और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए वोट दे रही है, जातिवाद जनगणना कराने के लिए वोट दे रही है, भाईचारा पैदा करने के लिए वोट दे रही है। खान साहब, शिवपाल यादव पुराने नेता है, उनके कार्यकर्ता उनकी कहनी कथनी करनी सबको समझते हैं अच्छे से। आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी अभी भी क्या घर के उस घमासान से जूझ रही है जो इस वक्त मैं अगर वो फिर से वो बयान सुनाऊंगी, राजभर जी भी सुने तो ठीक है। खान साहब जी, जी जी माधुरी जी, देखिए इनका अंदरूनी पार्टी का मामला है, आज से लड़ाई थोड़ी चल रही है, ये तो शुरू से चल रही है। बेटे ने बाप को हटाया, बाप ने बेटे को हटाया, फिर चाचा को निकाला, फिर भतीजा को हटाया, ये तो अंदरूनी मामला इनका। ये पार्टी मिट गई, कुछ है नहीं इस पार्टी में। ये आप जो चाहे बयान देना चाहे देना चाहे, कल छलक रहा है इनका बयान, छलक रहा है क्या कर रहा है ये, हम खत्म हो गई। खान साहब यार कमाल है, यार कमाल है, आप तमीजदार आदमी हो, तमीज से बोलो ना, दूसरे के बोझ में नहीं बोला जाता है। पहली बार डिबेट पाया हो क्या? वो कह रहे हैं बसपा तो खत्म हो गई। खान साहब नहीं कह तो रहे हैं कि ये कहेंगे ना, जब इनकी पार्टी खत्म हो गई तो बसपा को आप खत्म करेंगे। प्रत्याशी तो भाजपा के लिए वोट मांगने लगे, मुरादाबाद में आपका प्रत्याशी भाजपा के लिए वोट मांग रहा है। आप ही बोल लो, आप नहीं बोले, आप बोल दो, बोलिए, बोलवा लीजिए। खान साहब कंटिन्यू कीजिए।
नहीं नहीं बोलवा लीजिए आप, इनका फीडर डाउन नहीं करेंगे तो हमसे क्या बात करेंगे, मतलब है सर ठीक है। गुंडा पार्टी का आदमी बैठा गुंडे का सर, ये कोई आपका प्रवचन सुनने कोई थोड़ी आया है, आपका प्रवचन माने गुंडे ही आप बैठ गए, गुंडे ही आप पढ़ते हैं, गुंडे ही आप पढ़ते हैं, पहली बार डिबेट आपका कोई प्रवचन थोड़ा ही है कि प्रवचन सुना जाएगा, कोई कुछ ना बोलेगा नहीं, पहली बार डिबेट पाया हो क्या प्रवचन, पहली बार नहीं आपसे ज्यादा डिबेट की आपसे ज्यादा, आप अभी से आने लगे बसपा में कोई है इसलिए आप ही दिखाई दे रहे हैं। मुसलमानों के लड़कियों को औरतों को कब्रों से जो कब्रों में चली गई है, कांसी राम जी की आप बात कर रहे थे ना, कांसी राम जी ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अब आपने फार्मूला कर दिया जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहाँ है आप लोग, मायावती जी ने तो कहीं एक भी अपील भी नहीं की हमारे प्रत्याशियों को वोट दो, कहाँ है आप, कहा है नहीं उत्तर प्रदेश में और जनता आपको वोट भी नहीं दे रही है। सर सर सुनिए ना, सपा सपा बसपा लड़े ऐसे टीवी पे अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग वोट कॉन्टेस्ट करें, वोट कॉन्टेस्ट में लड़ाई करें अच्छा लगता है, लेकिन इतना पर्सनल मत होइए दुबे जी, देखिए खान साहब भी सीनियर हैं उनको सुन लीजिए क्योंकि वो अपना पॉइंट रख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए, जो शिवपाल जी ने कहा वो आज से नहीं चला जा रहा, यही मैं भी कह रही हूँ कि 2017 की वो रार कहीं 2022 तक बरकरार तो नहीं है। पहले तो उनको बता दीजिए कि डिबेट कैसे होता है, ये बोल रहे थे कोई नहीं बोला, अब ये अब हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे, तो ये इसीलिए कहा जाता है गुंडों की पार्टी, ये गुंडे ही करते हैं हर चीज, गुंडों को तो वोट देते थे टिकट, पैसा लेकर के किसी को भी टिकट दे देते हैं आपकी पार्टी में, आप जब आरोप लगाएंगे तो सुनने के लिए तैयार हैं। दुबे जी सुनिए, ऐसा तो नहीं है, जो 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 व्यवहार आप यहाँ दिखा रहे हैं, बीच में भी आप बोल रहे हैं, आप उन पे हंस भी रहे हैं, आपके इस चेहरे पे कुटिल सी मुस्कान भी है, ठीक नहीं लगता सर, आप भी सम्मानित गेस्ट हैं मेरे, वो भी क्योंकि लास्ट तक ऐसा हुआ कि शिवपाल चाचा भी लास्ट तक कहते रहे कि अरे दो सीट दे दो, पांच सीट दे दो, मिली तो उनको एक ही, तभी वो 2017 वाला जो अपमान का घूंट है वो पीकर साथ तो है, लेकिन सबको दिख रहा है कि शायद अब सब ठीक नहीं है। शिवपाल जी के साथ जो सादा भाजपा थी बहुजन समाज पार्टी में आ गए, कितने लोग बहुजन समाज पार्टी में आ गए, ठीक है दुबे जी से मैं सवाल लूं, लेकिन सौरभ मालवीय को लाइए, सौरभ मालवीय को लाइए रमनीश वत्स के सामने, सौरभ मालवीय जी आती हूँ, खान साहब आती हूँ, ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, इसलिए सौरभ मालवीय जी 100 सीटों का मलाल रह गया मन में, बवाल करेगा ये तीसरे चरण में? देखिए ये बहुत साफ तौर पे समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अर्थात नेताजी और शिवपाल यादव खास करके लोहिया समाजवादी के, तो ऐसे में शिवपाल यादव की राजनीतिक सक्रियता को उत्तर प्रदेश में भुलाया नहीं जा सकता, और कहां नहीं भुलाया जा सकता, समाजवाद के घर में भुलाया नहीं जा सकता, तो समाजवाद की जड़ में पानी से लेके और उसको सींचने वाले नेतागिरी के रूप में एक लंगोटी नेता जिसको समाजवादी भाषा में बोलते हैं वो शिवपाल यादव रहे हैं। और आखिर क्या मजबूरी आई कि चाचा होते हुए भतीजा ने गच्चा दे दिया, तो मुझे लगता है 100 सीट का ये चोट है। रमनीश वत्स देखिए आप देखिए अंतरकलह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। देखिए माधुरी जी आप जिस तरह की 2017 में अपमान इन्होंने सहता, सच में आप देखिए आज के वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो ये अंतरकलह इसलिए देख रहा है कि इनकी जो पार्टी है शिवपाल यादव की पार्टी उसमें 100 सीट की मांग कर रहे थे इनको, मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेचारे ये देख रहे थे, ये आस में बैठे थे कि हमें जो है अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा तोहफा कुछ देंगे इनके साथ यदि मिल जाते हैं। लेकिन बात ये है कि अखिलेश यादव देखिए जो है खास करके वो जो चुनाव की रणनीति उनको बहुत अच्छी तरीके से आती है, वो मतलब ये हित अपने हितों को साधते हुए कोई भी कदम उठाते हैं, चाहे अरुण राजभर के साथ ये आज गए हों, चाहे ये आप देखिए सुहेल इनके साथ आप देख रहे हैं जो जाट हमारे जयंत चौधरी के साथ ये गए हों, इन सब ये सब देखिए जो भी गठजोड़ देखा जा रहा है माधुरी जी वो सिर्फ आप देखेंगे चुनाव तक सीमित रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी के साथ भी इन्होंने गठजोड़ किया था लेकिन चुनाव के बाद परिणति हम सबको नहीं, मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ दुबे जी मैं ब्रेक लेके वापस आ जाऊँ आपके पास, आप ठीक कह रहे हैं रमेश जी, मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि एक तरफ अपर्णा जी का जाना बीजेपी में और दूसरी तरफ अब शिवपाल यादव का इतना बड़ा बयान देना, वो भी इटावा में जाकर, क्या साबित करेगा, क्या मायने निकलेंगे इसके, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हूं।
उसी मुद्दे पर, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा अखिलेश ने शिवपाल की दुर्गति कर दी है। शिवपाल को अखिलेश ने सिर्फ एक सीट दी। सीट को लेकर आज शिवपाल का दर्द भी छलका। उन्होंने 100 में से 1 सीट की बात कहते हुए अपनी मुस्कान को बरकरार रखा। और इसी पर सवाल पूछ रहे हैं हम कि आखिर क्या ये 2017 वाली रार अभी भी बरकरार है। इस वक्त सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा। कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे, लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। दुबे जी, बीजेपी भी ऐसे मुद्दा बना रही है, आप लोगों के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? अपर्णा जी ऑलरेडी बीजेपी में है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, खतरे की घंटी इसलिए नहीं है। अपर्णा जी को ये लेके गए, इनको मुबारक हो, उनके पास अपना वोट है, अच्छी बात है, इनको मुबारक हो। और जहां तक बात है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, अब यही बात करेंगे। ये चाहते हैं इनके अंग्रेजों की तरह, इनकी भी नीत है कि फूट डालो राज करो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एक बड़े लक्ष्य के लिए बहुत सारी चीजें पीछे छोड़नी पड़ती है। बहुत सारे नेता हमारे भी टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं देना। फूट कौन डाल रहा है? हम जीत रहे, तो आपके ही नेता कह रहे हैं ना। लोग बात कर रहे हैं, देखो योगी जी बात वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो अगर लेकिन अगर शिवपाल चाचा का दर्द छलका, उन्होंने उठा लिया उसे, कोई बात नहीं। ये तो मौके का फायदा उठाना हुआ, ये फूट डालना कहाँ हुआ। चलिए एक बात अच्छी लगी कि सारे नेताओं को उनका दर्द है, और अच्छी बात है, ये भी मानना है बड़े नेता हैं और वो करहल से लेकर के सब में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे चरण में भी 2 चरणों की तरह इनका सफाया होना जा रहा है, ये निश्चित हो गया, सुनिश्चित हो गया। कैसे सुनिश्चित हुआ सर? आज वाले बयान के बाद आप कह रहे हैं इनकी हार निश्चित हो गई। आप लोग अपने घर में तो देख ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमने घर में बिल्कुल देखा है, और आप देख रहे हैं कि लगातार शिवपाल जी करहल में भी प्रचार करके आए, मैनपुरी से लेकर के जसवंत नगर, इटावा, आसपास की सारी सीटों पर जा रहे हैं। और निश्चित रूप से वो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, इसको किसी को मानने में कोई गुरेज नहीं है। और उनका प्रभाव ये पड़ेगा कि अब की बार सारा एक तरफा सफाया हो जाएगा बीजेपी का तीसरे चरण में। पर ये बात समय समय पर उठती रही कि चाचा को कुछ नहीं मिला। देखिए, अब राकेश त्रिपाठी जी जो दुबे जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप लोग फूट डालो राज करते हैं, आप फूट डालकर राज करते हैं, अपर्णा जी को भी आप फूट डाल के ले गए घर में से। अब ठीक है, वो उनका सोचना है, लेकिन क्या सियासी लालच, जो परिवार में भी सियासी लालच दिख रहा है, वो अखिलेश जी को पीछे तो नहीं खींच रहा, या आप लोग फूट डाल रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी विश्वसनीय साथी नहीं है, ये एक सच्चाई है, इसको ये स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ डालकर लखनऊ की सड़कों पर टहल रहे थे, यूपी को ये साथ पसंद है नारा दे रहे थे, लेकिन चुनाव खत्म होने से पहले ही उनका हाथ छूट गया, साथ टूट गया, और उसके बाद बुआ बबुआ का गठबंधन बनाया 2019 के चुनाव में। 2019 का चुनाव पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही बुआ के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। हर गठबंधन में इनकी गांठें पहले ही पड़ जाती है गठबंधन बनते बनते हुए। अब इस बार जयंत चौधरी जी के साथ गठबंधन बनाया है। अब पूछिए ना, जयंत चौधरी जी इस समय कहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए? पहले चरण के बाद इन्होंने दूसरे तीसरे चरण में अब उनको आगे प्रचार करने के लिए कहां बुला रहे हैं? वो उनको कहां इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, फरुखाबाद कहां बुला रहे हैं? वो कहीं चुनाव में नहीं ले जाना चाहते। वही स्थिति ओम प्रकाश राजभर की है, वो ओम प्रकाश राजभर को कहीं साथ में ले जाना चाहते हैं। अलायंस पार्टनर को दूर करने का काम करेंगे, परिवार के लोगों को धोखा देने का काम करेंगे। एक दिन अखिलेश यादव जी अलग थलग हो जाएंगे इसी तरह की राजनीति से, क्योंकि उनके पास केवल जातिवाद है, उनके पास केवल विभाजनकारी शक्तियां कैसे उनका महिमामंडन करें, कैसे तुष्टिकरण करें, केवल इसके आधार पर राजनीति करेंगे, कुर्सी पाने की चाह रखेंगे, तो जनता खारिज करेगी। पता होना चाहिए त्रिपाठी जी, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप धर्म नहीं निभा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के चुनावी क्षेत्र में मान राजभर जी परसों गए थे, आज मिश्रिक में प्रचार कर रहे हैं, महोली में प्रचार कर रहे हैं, अभी गए थे वहां में प्रचार कर रहे हैं, मुरादाबाद में प्रचार कर रहे हैं, अभी आप कह रहे थे बनारस में दबाए गए हैं कल। त्रिपाठी जी को अपना देखना चाहिए। त्रिपाठी जी, देखिए आपकी लुटिया डूब रही है और आप खुश हो रहे हैं। जनता अब लड़ने वाली नहीं है, भाईचारा बना रही है। अखिलेश यादव जी क्या हासिल करते हैं आपका ये चुनाव के बाद? भाइयों को इस तरह की दलील आ रहा है, जो मुंबई वाले भाई हैं उस टाइप वाले भाई को मजबूत बना रहे हैं, बॉलीवुड में भाई हुआ करते थे वैसे वाले भाई को मजबूत कर रहे हैं, बाकी जनता तो चारा और बेचारा बन रही है। साथ से वो सब छोड़ के आ गए इधर। त्रिपाठी जी, अभी आप कह रहे थे कि आपके जो उनके साथ चले गए, आपके
साथ जो लोग थे वो इधर आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए, दारा सिंह चौहान आ गए, धर्मपाल सैनी जी आ गए, तो सारे लोग तो इधर ही आ गए, सारे आ गए, बाद में हमें एंट्री बंद करनी पड़ी, घर बचाइए, घर एंट्री बंद करनी पड़ेगी, बीजेपी वालों को लेना नहीं, घर के भीतर से नहीं। राजभर जी को बोलने दीजिए, राजभर जी को बोलने दीजिए, त्रिपाठी जी के साथ। दुबे जी कह रहे हैं कि हमने तो घर के दरवाजे बंद किए तब रुके। ऐसा है त्रिपाठी जी कि आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब मुद्दा आप ही लोग बना रहे हैं शिवपाल चाचा वाला। राजभर जी आपको ऐसा लगता है? बड़े वाले वकील साहब त्रिपाठी जी बैठे हैं, ये हमको लड़ना चाहते हैं, हम लड़ने वाले नहीं है, भाईचारा पैदा करने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमको नहीं बुला रहे हैं, जबकि मिश्रिक में चुनाव प्रचार में भाषण दे रहे हैं, अभी महोली में भाषण दे रहे हैं, अभी उसके बाद दो दिन पहले मैनपुरी में गए थे, करहल में खुदा प्रचार करने गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। लेकिन इनके चश्मे में तो नफरत दिखता है, क्योंकि ये भाईचारा तो जानते नहीं है, ये तो चाहते ही है कि योगी आदित्यनाथ के पास परिवार है नहीं तो भाईचारा कैसे पैदा करेंगे, ऊपर वाले नेता के पास परिवार है या नहीं है तो भाईचारा पैदा कैसे करेंगे। तो ये नफरत फैलाने वाले लोगों के चश्मे में हमेशा नफरत दिखता है। तो माननीय अखिलेश यादव माननीय समाज परिवार होता है, बीवी बच्चे परिवार केवल की परिभाषा में नहीं आते हैं, आपके लिए तो केवल बीवी और बच्चे ही परिवार की परिभाषा में है। हमारे साथ खड़ी हो रही है, समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी कहने को तो समाजवादी है, लेकिन वो है परिवारवादी पार्टी, क्योंकि सपा चुनाव है। एक मिनट त्रिपाठी जी को लाइए जवाब देने के लिए, त्रिपाठी जी को सामने लाइए, रमनीश जी वापस आती हूँ सर, वापस आती, त्रिपाठी जी को लाइए, त्रिपाठी जी को लाइए सामने, त्रिपाठी जी ये सिर्फ 100 सीटों के मलाल का दर्द जो शिवपाल जी का छलका है वो आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, उन्होंने थोड़ी कहा, आप लोगों ने स्क्रिप्ट लिख के दी होगी। देखिए 2017 की विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विक्रमादित्य मार्ग और उस समय तत्कालीन कालिदास मार्ग जो अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री निवास हुआ करता था, उन दोनों के सामने एक दूसरे नेताओं के लिए जूता पहचान जिस तरह की हो रही थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने लिखी थी क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ही कैबिनेट मंत्री पद से हटा देने का काम शिवपाल सिंह यादव को कर दिया था? अरे अखिलेश यादव जी ने तो अपने पिता मुलायम सिंह यादव से अध्यक्ष पद छीन लिया, मुलायम सिंह यादव जी निर्वाचन आयोग घूम रहे थे कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। सीधी बात ये है ना, सीधी बात ये है कि क्या, मैं वापस पूछ रही हूँ, खान साहब को लाइए, क्या खान साहब ऐसा है कि परिवार में सियासी लालच अखिलेश जी को कहीं पीछे ना धकेल दे? खदेड़ा होगा, खेला होगा, सब होगा राजभर जी, ये तो दिख ही रहा है, दो चरणों में हो ही रहा है, तीसरे चरण से पहले पहले क्यों दर्द छलका? समस्या वो है, खान साहब को लाइए टीवी पर प्लीज जी। खान साहब मैं फिर कह रही हूँ, परिवार में सियासी लालच अखिलेश को पीछे तो नहीं खींच लेगा इस बार भी 2017 की तरह? मैं बिल्कुल, देखे माधुरी जी, जो नेता अपने बाप का नहीं हुआ, जो नेता अपनी बहन का नहीं हुआ, जो नेता अपने भाई का नहीं, जो नेता अपने चचा का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? जनता इनको सबक सिखाएगी कि तुम अपने परिवार को समेट नहीं पा रहे हो तो तुम जनता का भला क्या करोगे? इन्होंने कहा था मुसलमानों को 16% आरक्षण देंगे, दिया? अपने चारों झूठ बोलते हैं, दिया नहीं दिया? ठीक है, मैं वही पूछ रही हूँ, क्या ये मायने रखता है, क्या ये मायने रखता है कि वाकई, क्या ये मायने रखता है, सौरभ मालवी को लाइए, क्या ये मायने रखता है कि जब आपके घर परिवार की बाहर जा रही हो बात, तो ये वाकई कार्यकर्ताओं में भी एक मनोबल गिराने वाली बात होती है कि आपके घर में सब ठीक नहीं है, आप हमारा क्या वोट लेंगे? माधुरी जी, दो तीन बात को यहां समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जब मुलायम सिंह पूरी तरह से एक समाजवादी नेता के रूप में जन मानस में अपील करते हुए लीडर थे, उस दौर में देश के पूर्व से पश्चिम से लेकर उत्तर से दक्षिण तक धोती वाले नेता समाजवादी सेवक के रूप में मुलायम सिंह ने खूब नाम कमाया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, खारिज नहीं की जा सकती है। क्या बात कर, दूसरी बात, ऐसे नेता के आपके सामने परिवार की देते हैं ना, उपज है, जो विचार गोलियां चलवा दी हो, विचार गोलियां के विचार को गलती हो जाती है, बदलते लड़के हैं लड़के से गलती हो जाती है, वो समाजवाद की परिभाषा कैसे हो सकता है, सामाजिक समरसता की बात कैसे कर सकते हैं, वो सद्भावना प्रेम की बात कैसे कर सकते हैं, वो एक जो नेताजी नाम जातिवाद को बढ़ावा देते थे, सिर्फ मुसलमान
मुसलमान और यादवों को बढ़ावा देते थे। शिवपाल जी से आगे समाजवाद के बारे में कभी सोचा नहीं उन्होंने? करना कैसी बात करते हैं यादव? और देखिएगा माधव जी, इनके सामने परिणति सामने आएगी। चुनाव के बाद आपको रिजल्ट के रूप में यही सामने दिखेगा। भारत के भेदी लंका ढाए, चाचा भतीजे का जो तनाव है, पूरा उत्तर प्रस्पा को लाना और लाकर फिर इस समय इस 2017 से पहले भी हमने देखा, 2022 में भी हम सामने को देख रहे हैं और 2012 से 2017 के बीच में। शिवपाल जी कह रहे हैं कि सौरभ लाल जी कह रहे हैं कि नेताजी को शिवपाल यादव ने नेताजी के तौर पर देखा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश को शिवपाल यादव को नेता मानने में दिक्कत होगी? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ये इतनी बड़ी बात जो है और उस दल का दावर नेता नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूं। इसका मतलब ये है कि इसके मायने ये भी है कि आप अपने अपने कार्यकर्ताओं में भी यही मैसेज दे रहे हैं। ये इसका अर्थ यही है कि पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता किसके हैं? एक मिनट मालवीय साहब, एक मिनट बच साहब को बोलने दीजिए। देखिए माधुरी जी, जो एक परिवार को एकजुट नहीं कर सकता, वो उत्तर प्रदेश की जनपद और उनके नागरिकों के साथ क्या न्याय करेगा? आप बताइए। ये देखिए, इनका सीधा स्पष्ट रूप से इनकी जो परिपाटी रही है, इनकी नियति जो रही है, वो सिर्फ सपा जो है चुनाव तक जातिवाद में लिपटी रहती है, चुनाव के बाद परिवार तक सीमित रह जाती है। आप देखेंगे ना, सपा में जितने भी गठबंधन है, आप अखिलेश यादव का पूरा परिवार आप देखें। मैं फिर पूछूं, ठीक है बच साहब, जो आप बात करें वही बात बालवीय साहब ने भी कंक्लूड किया, लेकिन लास्ट कमेंट चाहिए मुझे राकेश त्रिपाठी। क्या समाजवादी गढ़ में शिवपाल जी का ये दर्द आप लोग मुद्दा बनाएंगे और तीसरे चरण में इसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए माधुरी जी, इसे हमें मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। शिवपाल सिंह यादव के समर्थक, उनके जो उनके चाहने वाले हैं, वो ऑलरेडी इसको मुद्दा बनाकर के अलग अलग स्थानों पर इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने उनका अपमान करने का काम किया है, अखिलेश यादव जी ने उनका अपमान करने का काम किया है, उनको गच्चा देने का काम किया है, इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। और ये बात आपको करहल भी दिखाई पड़ेगी। तीसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, जहां अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, आज वहां उनकी स्थिति खराब है, परिवार के भीतर डिवीजन तरह से ठीक है। लेट्स सी 20th फैब को, यानी जो तीसरा चरण होना है, उसमें फिर क्या असर दिखता है इसका, क्योंकि लगातार जो तमाम लोग हैं, रघुवेंद्र जी से लगाकर, राजभर जी से लगाकर, वो कह रहे हैं कि वहां वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, एसपी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एसपी का प्रचार करते करते वो अपना दर्द भी तो कह रहे हैं, और क्या इसका कार्यकर्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा, वो भी ठीक चरण वोटिंग से पहले? फिलहाल इतना ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी। 2017 से पहले क्या मुख्यमंत्री योगी ने कहा है वो भी आपको बता दें, 2017 से पहले खाली प्लॉट पर कब्जा होता था, खाली प्लॉट हमारा है, समाजवाद का नारा है, अब जिन्होंने कब्जा किया उनके पीछे से बुलडोजर आया। फिर से इस बात को दोहराए कि कैसे माफियाओं से जमीनों पर कब्जा छुड़वाया बीजेपी की सरकार ने इस कार्यकाल में रहते हुए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आगे खबरें जारी।